नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप ये गूगल पे चलाते हो दोस्तों, गूगल पे में आपको कुछ इस तरह का एरर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे स्क्रीनशॉट में दिखाता हूँ, इस तरह का यहाँ पे आपको देखने को मिला है जिसमें बोला है करंट एक्टिवेट बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप अपना बैंक अकाउंट एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे नीचे लिखा हुआ रहा है कि मेक श्योर योर सिम हैज़ इनकमिंग एंड आउटगोइंग SMS साइनिंग फैसिलिटी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इस वाले एरर को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे जो इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आपको बता दूँ कि कैसे आप गूगल पे एप्लीकेशन में आपका जो बैंक अकाउंट जो कनेक्ट नहीं हो रहा है, ऐड नहीं हो, एक्टिवेट नहीं हो, उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप जो है यहाँ पे गूगल पे एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक्टिवेट बैंक अकाउंट का जब क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर आता है, आप जो है सिम चूज करते हैं। सिम चूज करने के बाद कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सेंडिंग SMS यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरह का एरर यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि कुडंट एक्टिवेट योर बैंक अकाउंट, मेक श्योर, यहाँ पे देख सकते हैं, कुडंट सेंड SMS, मेक श्योर यू दैट यू कैन सेंड एंड रिसीव SMS यूजिंग योर मोबाइल नंबर सिम कार्ड। यू कैन ऑल्सो ट्राई टू टर्न ऑन एयरप्लेन मोड एंड ऑफ बिफोर डी ट्राई। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे दो ऑप्शन है दोस्तों। पहला क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको अपना एयरप्लेन मोड जो है दोस्तों इसको यहाँ पे ऑन कर देना है। उसके बाद ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एयरप्लेन मोड को ऑन करने के बाद यहाँ पे ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद दोबारा से आपको अपना नेट डेटा या वाईफाई जो है ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों दोबारा आपको यहाँ पे गूगल पे में रिट्राई वाले बटन पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है रिट्राई वाले बटन में जब आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद दोस्तों अगर आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट यहाँ पे अगर एक्टिवेट हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पे अच्छी बात है। अगर दोस्तों अगर आपका वेट करने के बाद भी अगर आपका बैंक अकाउंट एक्टिवेट नहीं होता तो दोस्तों यहाँ पे क्या इशू है यहाँ पे आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों करना क्या है आपको, सिंपली यहाँ पे दोस्तों फिर से मैं जो है ट्राई करके यहाँ पे चेक करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो है एयरप्लेन मोड मैंने ऑन करके ऑफ किया है। अब दोस्तों दोबारा से नेट कनेक्ट करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं दोबारा से ये सेम इशू आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कुडंट सेंड SMS, मेक श्योर यू कैन सेंड एंड रिसीव SMS यूजिंग योर मोबाइल नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों जो भी आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जियो का, एयरटेल का, वोडाफोन आइडिया का, तो दोस्तों यहाँ पे जो है जो भी आप मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं वो भी एप्लीकेशन खोलनी है और आपको एक SMS का रिचार्ज कराना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है फॉर एग्जाम्पल मैं जो है VI का यहाँ पे जो है नेटवर्क यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। VI नेटवर्क में जो मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे गूगल पे में मेरा जो मोबाइल नंबर कनेक्टेड है वो VI वाला कनेक्टेड है। तो VI वाले में कनेक्टेड जो आ रहा है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पे कॉल की, SMS सेंडिंग की और रिसीव की यहाँ पे जो है वैलिडिटी यहाँ पे जो हो चुकी है। अब दोस्तों मेरे को जो है रिचार्ज कराना है तो रिचार्ज नाउ वाले बटन में क्लिक कर देते हैं। रिचार्ज नाउ वाले बटन में जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको एक जो है SMS का रिचार्ज पैक ले लेना है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे जो है जितने भी आपको रिचार्ज प्लान यहाँ पे दिखते हैं उसमें से दोस्तों यहाँ पे SMS वाला रिचार्ज यहाँ पे आपको कराना है। दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ पे बता देता हूँ, आपका जो भी सिम है जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, सभी के डिफरेंट अमाउंट होता है SMS वाला, तो SMS पैक ही करवाना है आपको। तो दोस्तों मैं जो है यहाँ पे 155 वाला कराने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों 155 वाले में मेरे को जो है SMS यहाँ पे वैलिडिटी मिल जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं MRP 155, अनलिमिटेड कॉल, 2GB इंटरनेट और 300GB यहाँ पे SMS यहाँ पे 300 SMS यहाँ पे जो है मिल जाता है। तो दोस्तों मैं प्रोसीड वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। प्रोसीड वाले बटन में जब मैं क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्विक पे वाला यहाँ पे आ जाता है। तो दोस्तों मैं जो है यहाँ पे जो है पेटीएम वॉलेट का या दूसरा UPI यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं जो है फोनपे का यूज़ करने वाला हूँ, तो फोनपे मैंने क्लिक कर दिया। फोनपे क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू पे वाले बटन में क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों फोनपे के थ्रू मैं जो है रिचार्ज कराने वाला हूँ। दोस्तों मेक श्योर यहाँ पे जो है आप SMS जो भी आप प्लान रिचार्ज कराएं उसमें जो है SMS की वैलिडिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है रिचार्ज कर देता हूँ। यहाँ पे जो है UPI यहाँ पे डाल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो UPI यहाँ पे डाल दिया और UPI डालने के बाद यहाँ पे जो है मेरा रिचार्ज यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 155 जो है सक्सेसफुली। अब यहाँ पे दोस्तों मेरा जो VI का जो सिम है उसमें जो है दोस्तों यहाँ पे रिचार्ज की यहाँ पे वैलिडिटी आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चीज रिचार्ज इज डन। यहाँ पे दोस्तों मेरे प्लान वाले में अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे मेरे वाले प्लान में अब जो है रिचार्ज की वैलिडिटी आ चुकी है। SMS की जो वैलिडिटी आ चुकी है। अब दोस्तों SMS वैलिडिटी आने के बाद अब दोस्तों दोबारा से मैं ट्राई करता हूँ, दोबारा से गूगल पे एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। दोबारा से गूगल पे एप्लीकेशन ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है मैं दोबारा से एक्टिव बैंक अकाउंट एक्टिवेट वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे अपना जो है सिम चूज़ कर लेता हूँ। सिम चूज़ करने के बाद सेंडिंग SMS यहाँ पे लिखा हुआ रहा है, तो चलिए थोड़ा यहाँ पे जो है वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अब जो है मैंने SMS की यहाँ पे वैलिडिटी हम इंस्टॉल कर ली है। SMS इनकमिंग और SMS आउटगोइंग दोनों जो है इस वाले नंबर पे हो जाएगा। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिवेटिंग बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैसेज आ चुका है। ओके वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। एडिंग UPI ID टू इम्प्रूव पेमेंट और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कन्फर्म हो चुका है। यू हैव यहाँ पे दोस्तों इस तरह के यहाँ पे मैसेज आ चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक अकाउंट एक्टिवेटेड, यू आर रेडी टू मेक पेमेंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है ये बैंक अकाउंट जो है गूगल पे का जो है एक्टिवेट हो चुका है। अब दोस्तों बैंक अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद आप जो है अपना सेटअप UPI नंबर जो है यहाँ पे सेट कर सकते हैं। UPI नंबर सेट करने के बाद यहाँ पे इस पर आपको क्लिक कर देना है सेटिंग UPI नंबर। इसके बाद दोस्तों आपका जो है UPI नंबर भी यहाँ पे जो है यहाँ पे सेट हो जाएगा गूगल पे एप्लीकेशन पे। इसके बाद दोस्तों कंफर्म वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे सेंडिंग रिक्वेस्ट का जो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है।
और इस तरह दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको यूपीआई यहाँ पे आपका कनेक्ट हो जाता है। कंटिन्यू वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करने के बाद ये बोलेगा सेंडिंग रिक्वेस्ट, तो सेंडिंग रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो है गॉटेड वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ पे आपका गूगल पे एप्लीकेशन का यहाँ जो है बैंक अकाउंट जो है कनेक्टेड हो चुका है। और इस तरह दोस्तों यहाँ पे जो है आप अपना गूगल पे एप्लीकेशन में जो आपका बैंक अकाउंट का जो इशू आ रहा है उसको सॉल्व कर सकते हैं और आप अपने गूगल पे एप्लीकेशन में अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों यहाँ पे कोई भी आपका समस्या सुझाव है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं हमसे, तब तक बोलते हैं हर देश में मुझे बोलना।